ऐसा लगता है कि विनाशकारी चक्रवात अम्फान ने केंद्र सरकार के साथ साथ भाजपा पर भी कहर बरपाया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने तूफान से क्षतिग्रस्त स्थिति का निरीक्षण करने के लिए रविवार को हावड़ा स्थित बोटानिकल गार्डन का दौरा किया। उसी समय दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज भी कसा और कहा कि तूफान वाली रात बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कई घोषणाएं भी कर दी। दिलीप घोष ने कहा है कि बोटानिकल गार्डन की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। अम्फान तूफान की तबाही से बोटानिकल गार्डन भी नहीं बच पाया। उन्होंने घोषणा कर दिया कोरोना लेके जीना है, इसलिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। जीना है लेकिन जो जिएगा वो जिएगा, जो गया तो सो गया। हमने देखा है करीब 1.5 हेक्टर से एक 1.65 हेक्टर उसका जगह है जो कवर करता है और लगभग 1000 से भी ज़्यादा जड़ है जिस पर खड़ा है। तो हर साल लगभग 100 नया जड़ आता है और निकलता है। इतनी बड़ी जगह, एक ऐतिहासिक पेड़ है, धरोहर है हमारी, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उसमें भी डैमेज हुआ है काफ़ी, एक तरफ जो है उसका डाली टूट गया है, तो पूरा गार्डन का ही नुकसान हुआ है। तो यहाँ के माननीय डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर और यहाँ के जो प्रमुख अधिकारी हमारे साथ थे, उन्होंने सारा दिखाया भी। तो हर एक पेड़ है जहाँ जिसका कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, इसको भरपाई करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर प्रयास करें हमारे धरोहर को फिर अगर पुनर्स्थापित करने के लिए तो संभव हो सकता है। कैसे होगा? कुछ लोग हर एक पेड़ के पीछे 5-5 पेड़ लगाना चाहिए। 15,000 से ज़्यादा पेड़ है यहाँ, जो जगह खाली है उसमें पेड़ लगाना चाहिए। लेकिन जो सैकड़ों साल पुराना पेड़ था उसका जगह भरपाई करना मुश्किल है, लेकिन कुछ पेड़ बचा है उस प्रकार पुराना, और नया फिर एक बार लगाना पड़ेगा। कुछ रेयर पेड़ है जो दुनिया का। क्या हमारा मन हमें चला रहा है या हम अपने मन को आज के इस कठिनाई भरे समय में अपने अवचेतन मन को सशक्त कर सकारात्मक ख्यालों की ओर आइए बढ़ाएं एक कदम होप के साथ। जुड़िए हमारे फेसबुक पेज पे और देखिए हर प्रकार की मोटिवेशनल वीडियोस। Due to lockdown for the last approximately 1 month and all whatever is happening in India and around the globe, एक बात को सामने आती है कि हम लोग कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन हम कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकते। आज मुझे एहसास हुआ कि जानवर और परिंदे कैद में कैसा महसूस करते होंगे।